असलकम जी सो यूज़र रिसर्च के बाद और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करने के बाद हम थोड़ा सा आते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे यू कैन आल्सो कॉल इट एज़ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर या आप इसको यूज़र फ्लो के नाम से भी जान सकते हैं ठीक है एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हम इसमें थोड़ा सा अपने जो फ्लो है एप्लीकेशन का उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे दैट हाउ इट विल वर्क तो यहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास दो तरह के यूजर्स हैं एक हमारे पास है जी विजिटर और सेकंड यूजर हमारे पास है होम ऑनर ठीक है तो यहाँ सी बात है कि हमें दो तरह की एप्लीकेशन चाहिए मॉड्यूल चाहिए विजिटर के लिए होगा ठीक है और इसके लिए एक अलग अलग से एप्लीकेशन बनेगी या एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो मॉड्यूल्स होंगे ठीक है उसके बाद अगर हम विज़िटर को देखते हैं दैट हाउ ही विल यूज़ द एप्लीकेशन तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन में वो अपने फ़ोन नंबर को वेरीफ़ाई करे ठीक है उसका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए ठीक है जी इसके बाद जब वो किसी के घर पे जाएगा सो so अब घर पे वो जाके डोर कैसे रिंग करेगा सो uh, so यहां पे आउटसाइड टू होम देर वुड बी क्यू आर कोड ठीक है वो क्यू आर कोड को स्कैन करेगा और उसके बाद ही विल गेट टू द नेक्स्ट स्टेप और इस स्टेप के ऊपर ही विल चूज़ कि वो किस मकसद के लिए विज़िट कर रहा है सो ही विल चूज़ के दैट ही इज़ अ नेबर ठीक है वो नेबर है या वो पार्सल कोई डिलीवर करने आया है या इसके अलावा वो कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है ठीक है तो वो बताएगा एप्लीकेशन को कि फ़ॉर वट पर्पज़ ही इज़ विज़िटिंग द होम उसके बाद वो क्या कर सकता है वो या तो एक मैसेज सेंड कर सकता है या वो डोर बेल रिंग कर सकता है ठीक है और डोर बेल अगर वो डोर बेल रिंग करता है तो वो ऑनर के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगी दैट समवन इज आउटसाइड और आप उसको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं दैट यू आर अवेलेबल एट होम एंड यू आर कमिंग टू द डोर और यू आर आउटसाइड टू होम ठीक है तो ये ऑनर की तरफ एक ऑप्शन है कि वो यहाँ से चूज करे और उसको रिस्पॉन्ड करें और इस ऑनर को डोर बेल रिंग करने से पहले एप्लीकेशन विल आस्क द विज़िटर के वो अपनी एक सेल्फ़ी ले और सेल्फ़ी के बाद वो डोर बेल रिंग करे सो दैट द ऑनर कैन सी के हु इज़ आउटसाइड टू होम और अगर वो मैसेज करता है तो ऑनर के पास एक मैसेज जाएगा और वो उस मैसेज को रिप्लाई बैक कर सकता है ठीक है और अगर वो उसको कॉल करना चाहे तो उसको कॉल भी कर सकता है ठीक है सो यहाँ पे कुछ ये वाले सेनैरियोज़ हैं इसके अलावा जी अब एक और सैनैरियो हम ये डील करते हैं कि देर कैन बी मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स ठीक है तो इसमें ये भी किया जा सकता है कि आप अपने मज़ीद एडमिन्स को भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो डोरबेल रिंग की नोटिफिकेशन है ये सिर्फ एक बंदे के पास ना आ जाए बल्कि जितने भी घर में फ़ैमिली मेंबर्स हैं सबको पता चलना चाहिए कि दैट हु इज़ आउटसाइड इसके अलावा जो मैसेज है या तो वो एक को जा सकता है या वो मल्टीपल जो मेंबर्स हैं उनको जा सकता है तो जो ऑनर है ये सारा कुछ इसकी साइड पे होगा कि ही कैन एक्चुअली एड मोर फैमिली मेम्बर्स और इसके अलावा जी वो मजीद इसकी जो सेटिंग्स हैं उनको सेट कर सकता है ठीक है जी तो कुछ इस तरह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे कुछ इस तरह से इस पूरे सिनेरियो को लेके चलेंगे और यू कैन आल्सो कंसीडर दिस एज़ अ लो फुडेलिटी वायर फ्रेम्स ठीक है और आप इस वायर फ्रेम को अपने यूज़र्स के पास लेके जाके टेस्ट भी कर सकते हैं यही पेपर अपने यूज़र्स के पास लेके जाएं जाएँ उनको जाके मज़ीद एक्सप्लेन करें और आप इस आइडिया को मज़ीद मेच्योर भी कर सकते हैं ठीक है सो वी आर कंसिडरिंग इज़ कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को ड्रॉ किया उसको अपने यूज़र्स के साथ अपने बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं घर वाले उनके साथ शेयर किया और हमने इसको मेच्योर किया और मेच्योर करने के बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे सो so ये हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी हो सकता है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये आप यूज़र फ्लो भी कह सकते हैं एंड दिस कैन ऑल्सो भी कॉन्सिडर्ड एज अ लो फर्डेलिटी वायर फ्रेम जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की समझ आ रही है सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स इसको जो फर्डेलिटी है इस वायर फ्रेम की इसको मजीद क्लियर करेंगे दिस कैन बी द हाई फर्डेलिटी और दिस कैन बी अ मिड लेवल वायर फ्रेम्स तो सी यू द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच